हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन एंड नेचर्स लवर। में आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे वीडियो बन रही है। बहुत लोग कमेंट्स करके पूछे भी थे कि चीपेस्ट रेट पे वर्मी कंपोस्ट कहाँ मिलता है। तो देखिए, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का रोड है, ये कृषक नगर का रोड है। आपको इसी रोड पर सीधे सीधे चलते जाना है। तो चलिए चलते हैं फार्म तक। थोड़ा सा आगे आ गया है दोस्तों, कोई बात नहीं, फिर वापस जा रहे हैं। तो फार्म में ना कोई बोर्ड नहीं लगा है, जिस वजह से ना आगे चले आए हैं। तो सबसे अच्छा है आप लोग को कि लैंडमार्क जानना है तो नमक रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट है, ये देखिए लिखा भी है रास्ते पे ही नमक करके। तो आपको सबसे ईजी रहेगा पहचानने में कि कहाँ आना है। तो जस्ट रेस्टोरेंट के साइड में ही ऐसा गेट है, कुछ लिखा विखा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो अब आ गए हम अंदर फार्म के। तो एक साइड में ये नमक रेस्टोरेंट का पूरा साइड है और इस गेट से हमें अंदर जाना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनता है वर्मी कंपोस्ट और किस रेट पे मिलता है, किस तरीके से आप ले सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं, सारी चीज़ें पूछेंगे, पता करेंगे। और एक्चुअली दोस्तों देखिए, तो ये सर भी आ गए हैं, बात कर लेते हैं इनसे, सारी जानकारी इनसे ले लेंगे और पूरा फार्म विजिट कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बसंत कुमार पटेल है। अच्छा, और यहाँ पे आपका कितना एकड़ में फार्म है? ये जमीन जो है 10 एकड़ है लगभग। 10 एकड़ है। इसमें हमारा वर्मी कंपोस्ट 2-2.5 एकड़ में बनता है। अच्छा, हमारा फ्लैट सिस्टम में बनता है, ओपन में है। और आपका ये अगर कोई आके यहाँ पे अगर लूज में लेना चाहे तो अप्रोक्स कितना केजी के हिसाब से ले सकते हैं? सीजनली 6 रुपए किलो देते हैं हम लोग। हाँ हाँ, चलने वाला। हाँ, बिना चलने वाला कोई लेगा तो 5 रुपए किलो दे देंगे। 5 रुपए किलो के। और आपका ये सारा जो प्रोडक्शन होता है वर्मी कंपोस्ट का, ये आपका पूरा छत्तीसगढ़ में है या फिर बाहर भी जाता है? बाहर भी जाता है, उड़ीसा भी जाता है। अच्छा, उड़ीसा है, महाराष्ट्र से है। अच्छा जी। और जैसे आपका अगर कोई सीखना चाहे वो भी सीख सकते हैं यहाँ पे आके? बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेनिंग का फिर भी कितना अप्रोक्स? ऐसा नहीं है, अगर कोई सीखना फ्री में सिखा देते हैं। ओके, ये भी अच्छी बात। हमारा सिस्टम है, फ्री में बता देते हैं उनको। थोड़ा इसका बता दीजिए, ये जैसे है, ये बिना चलने वाला है अभी। हाँ, मिस्टेक आता है ये। हमारा 3 महीने में हम एक बार खाली करते हैं। अच्छा, और ये है आपका, ये मशीन है, छन के तैयार है। हाँ, ये छलने वाला है हमारा। हाँ, इस टाइप का होता है ये, पूरा चाय पत्ती जैसा रहता है। हाँ, छलने होने के बाद में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई क्वांटिटी में ही लेना चाहे, जैसे कि हाँ 5 केजी है तो 5 केजी के नीचे कोई नहीं ले सकता ऐसा कुछ? नहीं, है ऐसा नहीं है, बाकी जिसको जितना लेना है। बाकी जनरली हम लोग 25 किलो पैकिंग करते हैं। हाँ, जो भी लेने आता है वो 25 किलो से कम तो लेता ही नहीं। हाँ, क्योंकि 6 रुपए किलो है तो कॉस्ट भी बहुत सही है। जी धन्यवाद सर, पूरा घूमते हैं इस पे। सर, ये कौन सा केचुआ है? ये एसिनिया फिटिडा है। ये एसिनिया फिटिडा। जी। तो ये अप्रोक्स कितना दिन में बन के तैयार हो जाता है सर? इसका 2 सिस्टम है, कई लोग करते हैं कि पूरा डंप कर देते हैं गोबर को। हाँ। और उसमें केचुआ छोड़ते हैं, ऊपर से निकालते रहते हैं। अच्छा। हम लोग लगभग 6 इंच का लेयर बिछाते हैं पहले। हाँ हाँ। उसमें केचुआ छोड़ देते हैं, लगभग 12-15 दिन में खा जाता है। फिर हम लोग हर 8 दिन में 10 दिन में उसमें गोबर डालते रहते हैं, मतलब लेयर बाई लेयर। हाँ, लेयर वो खा के नहीं। अच्छा। जो उसका केचुआ खाद है वो नीचे हो जाता है, केचुआ से ऊपर रहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। 3 महीना 3.5 महीना में एक बार हम लोग खेत खाली करते हैं, पलटी कर देते हैं। जी। अच्छा। यहाँ से वहाँ तक। और ये जो इसमें वो पानी का ड्रिप लगा है क्या? हाँ, स्प्रिंकलर है, माइक्रो स्प्रिंकलर। अच्छा, पानी देने के लिए। कितना दिन में पानी देते हैं फिर भी? दिन में एक बार चलाते हैं, अभी ठंड में तो कम लगता है 2 दिन में। हाँ, क्योंकि अभी सूखता नहीं है ज्यादा, गर्मी में ज्यादा लगता है, दिन में 2 बार।
ये दोस्तों आप इस तरीके से भी देखिए, वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, पूरे फ्लैट मेथड से भी तैयार कर सकते हैं। पूरे गोबर को अच्छे से मताई करके 3-4 इंच तक, उसके बाद जब नमी सूख जाए, थोड़ा सा हल्का नमी आ जाए, तब आप इसमें केचुए डाल सकते हैं। इस तरीके से भी आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो देखिए बेड में इस तरीके से है, पूरा अच्छे से गोबर डाल के फिर उसके ऊपर केचुआ डाल दिए, देन इसको कवर कर दिए। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें पानी का सिंचाई भी करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप बस गोबर खाद डाल दिए और केचुआ डाल दिया, आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मेहनत भी बहुत ज़रूरी होती है, देखभाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो देखिए पूरे बड़े से एरिया में पूरा ये ढका हुआ वर्मी कंपोस्ट तैयार होके रखा हुआ है। इसको अब छानेंगे इन लोग और मार्केट में सेल के लिए भेज देंगे। अगर कोई किसान लेना चाहे बल्क में तो भी यहाँ से आके ले सकते हैं, और अगर कोई ऐसे ही फार्मर जो भी है, छोटे फार्मर्स, वो भी ले सकते हैं, या फिर अपने घर के लिए जो लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। तो देखिए ये अंदर पूरे शेड में आ चुका है, और ये दो टाइप के हैं, आप इसमें से जो लेना चाहे, विदाउट छना हुआ या छना हुआ, जो भी आप लेना चाहे, 1 रुपये का डिफरेंस है। मैं मोस्टली कहूँगी आप छना हुआ ही ले, 1 रुपये में कुछ नहीं होता है। छना हुआ में क्या है, आपका पूरा वेल अच्छे से रहता है और उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है छन के निकल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे हिसाब से ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे जो हम गार्डनिंग करते हैं अपने घर में, उसके लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और मार्केट में बहुत रेट में मिलता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।